अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम शहज़ाद है और मैं शाहदरा कराची हूँ। ये चैनल मेरे कज़न का है, आसफ एकेडमी, रम एकेडमी नाम है जिसका, और अजलान चैनल का नाम है। आज मैं बात करने लगा हूँ माशाल्लाह जो ये हमारी सियासत है उस पर। 32 साल उम्र हो गई है मेरी, मैंने 4 हुकूमतें देख ली हैं, काफ लीग की, पीटीए की और मुस्लिम लीग नून की और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। चारों में अगर कोई आंखें साफ करके देखे कोई किसी किस्म का भी फ़र्क नहीं नज़र आएगा। सिर्फ अपनी अपनी नज़रियात का जो फ़र्क है, नवाज़ शरीफ की, इमरान ख़ान की, ज़रदारी की और वो जो अपने मुशरफ साहब थे, इनके अपने नज़रियात, वो देख लें आप, फ़र्क होगा। उसके अलावा आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। अगर कोई देखता है वो नून लीग की नज़र से देखता है तो उसको नून लीग की हुकूमत नज़र आएगी अच्छी, और जो पीपल पार्टी का उसको नज़र आएगी पीपल पार्टी की अच्छी, और जो तहरीक इंसाफ का उसको तहरीक इंसाफ की अच्छी नज़र आएगी। लेकिन हकीकत जो है वो देख लें उठा के, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब लोग ये अपोजिशन में होते हैं इनको बहुत आवाम का ख्याल होता है, और जैसे ही ये हुकूमत में आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, अपने वादे भी, आवाम की फ़िक्र भी, सब कुछ भूल जाते हैं कि हम क्या कहते थे बाद में, अपने बयान भी इनको याद नहीं रहते। और माशाल्लाह आजकल जो हमारे साफ़ी हैं, इमरान रियाज साहब, समी इब्राहिम साहब, आरफ हमीद भट्टी साहब, अरशद शरीफ साहब, साबर शाकर साहब, ये जमहूरियत के और पाकिस्तानी फ़ौज के चैम्पियन बने हुए थे। इनसे बड़ा कोई चैम्पियन को नहीं, इनकी सपोर्ट करने वाला को, इनकी मादरे वतन के लिए जान देने के लिए तैयार होते थे। तो आज ये फ़ौज की ऐसी की तैसी कर रहे हैं सारे के सारे, आज इनको नज़र नहीं आ रहा। शहबाज़ शरीफ, नवाज शरीफ जब ये बोलते थे तो वो कहते थे सर जी ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये तो करदार हैं, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ये मुल्क के ख़िलाफ़ बोलते हैं। अगर नवाज शरीफ मुल्क के ख़िलाफ़ 20% बोला है तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया सारा का सारा। किस हद तक चले गए ये उठा के देख लें। इमरान रियाज अपने बयान, आरफ हमीद भट्टी साहब, अरशद शरीफ साहब, आज वो कहते हैं वो कौन था जिसने रात को 11 बजे अदालतें लगवाईं, 12 बजे अदालतें लगवाईं, वो कौन था जिसने वो कैदियों वाली गाड़ी रात को 12 बजे भेजी, वो कौन था? इनसे पूछें जिन्होंने मनारे पाकिस्तान में जलसा करवाया इमरान खान का, वो कौन था? जिन्होंने कराची की 14 की 14 सीटें इमरान खान की झोली में डाली, वो कौन था? पूछें इनसे ज़रा, ये जवाब देने वाले हैं। आज ये बोलते हैं, टीवी पर बोल रहे होते हैं, वो जो लाइन मुझे मिली थी, वो जो लाइन मुझे मिली थी, वो लाइनें कौन देता था इन्हें? किसी के पास जवाब है? नहीं है जवाब। सर जी यही मसला है हमारे मुल्क का, सियासतदानों ने सियासत नहीं की है और सहाफ़ियों ने सहाफत नहीं की है। सहाफत की है तो अपने अपने मफाद के लिए की है। जो सहाफत करते हैं आज उनको सलूट करते हैं, अहमद मीर साहब, सैयद तलत हुसैन साहब, अबसार आलम साहब, ये चंद साफ़ी हैं जिन्होंने जनमन में हकीकत में सहाफत की है। बकाया तो जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ चल पड़ते हैं। और इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है, आज ये कहते हैं वो कौन था, इमरान खान साहब बड़े भोले बने बैठे हैं। ये इमरान खान का मसला है कि इमरान खान का साथ नहीं दिया उन्होंने, और नवाज शरीफ को नाहल कराया गया है, नवाज शरीफ को नाहल कराया गया है, वो बोला है ज़बरदस्ती नाहल कराया गया है। तो इमरान खान का तो केस ही अलग है, इमरान खान का तो सिर्फ उन्होंने सपोर्ट नहीं की है, और जब तक सपोर्ट की है फौज ठीक थी, सेनेट के इलेक्शन में सपोर्ट की है फौज ठीक थी, इनकी हुकूमत बनवाई है फौज ठीक थी, और जैसे ही उन्होंने कहा कि नहीं हम न्यूट्रल होना चाह रहे हैं तो वो जानवर भी हो गए हैं, वो मीर जाफर सादिक भी हो गए हैं, वो अमेरिकन जेंट भी हो गए हैं। और खान साहब ने इस हद तक कहा कि मैं इनको इंडिया में गया था, इंडिया के बोलनों को इंडिया के एम्पायरों के साथ फेंटा लगा के आया था। तो खान साहब कह रहे हैं कि मैं इनके एम्पायर और इनके साथ इनको फेंटा लगाऊंगा। और सर जी पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने का जो मकसद है ना, जो कामयाबी है, वो यही है कि जब आओ फौज को रगड़ दो आगे,
फौज को रगड़ दो आप इलेक्शन जीत जाएंगे। मेरी बात चाहे किसी को बुरी लगे, अपना कमेंट दें और आंखें खोल के देख के सब कुछ हकीकत को जान के, क्या ये वही खान साहब है जो कहते थे नवाज शरीफ फौज की नर्सरी में पढ़ा है, उसको पता है, वो इसीलिए फौज के ख़िलाफ़ बोलता है। ये पीटीए वाले जितने कारकुन आने पे ये ऑन रिकॉर्ड है, सुन लें। ये जनरल बाजवा के बारे में, जनरल रहीश शरीफ के बारे में क्या कहता था इमरान खान, कि ये नवाज शरीफ फौज की नर्सरी में पला है, इसको पता है कि फौज के साथ तक उसके साथ क्या क्या कर सकती, वो इसलिए बोलता है। तो आज क्या इमरान खान वही काम कर रहे हैं, नवाज शरीफ का मिशन ही लेके चल रहे हैं आगे, इसको पता नहीं है कि फौज क्या क्या कर सकती है। ये इसीलिए कर रहा है कि ये भी उनके साथ रहा, अरसा गुजारा इसने, 2012-13-14 की बात है धरने की, तो उसे सारे मामला पता है, सबको पता चल गया। वो बता दिया उन्होंने, जो सबक DGI से उन्होंने कहा था हम थर्ड फोर्स लाओ को हमने मैदान में उतारा, हमने खुद उतारा ये इमरान खान की शक्ल में, तो देख लिया उन्होंने भी, नतीजा देख लिया क्या किया उसने मुल्क के साथ। और आज जिन्होंने 500 रुपये तक घी को ले आए हैं, वो आज 50 रुपये बढ़ने पर, 30 रुपये बढ़ने पर शोर डाल रहे हैं। पहले पूछने वाला कोई नहीं था उनको, तो यार अब ये क्या कर रहे हैं आप, अब उनको मैशियत बेड़ा कर होती नज़र आ रही है, अब उनको मुल्क तबाही की तरफ जाता नज़र आ रहा है। माशाल्लाह वो कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, ये नाअहल हैं, ये नाअहल हैं, सारे नाअहल हैं। हमारे इस मुल्क का मसला ये है कि जब तक हम कर्ज़ा लेकर चलते रहेंगे, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कर्ज़ा लेकर चलना चलने वाला मुल्क को कोई भी नहीं संभाल सकता। मुल्क संभलेगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, और पैरों पे खड़े कैसे होंगे, ये सारी जमातें एक मिलकर इकट्ठा होगी, अपनी सियासत करें यार, मुल्क की जो बात आए तो एक सारी जमातें एक साइन करें कि कम से कम 4-5 साल एक असम्बली कायम हो, और 4-5 साल वो चले, फिर अगली हुकूमत 4-5 साल गिराने वाला कोई। ये सारी जमातें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें, कम से कम 5 घूमते चलने देंगे, और इकॉनमी जो है वो भी सब मिलकर बैठकर एक साइन करें, हुकूमत जिसकी मर्ज़ी आए, इकॉनमी वही चले और डेमोक्रेसी वही चले। अगर ये चलेंगी तो हमारे इस मुल्क का कोई भला होगा, वरना ये इमरान खान साहब अब वो उठाया हुआ इनकलाब का बेड़ा उन्होंने, वो उतरते हैं बनीगाला से और वो पहुंच जाते हैं उधर केपीके से आते हैं और इधर आ जाते हैं, ऐसे इनकलाब नहीं आते हैं। इमरान खान का इनकलाब बस हुकूमत है, हुकूमत मिल जाएगी फिर फौज भी अच्छी हो जाएगी और इदारे भी अच्छे हो जाएंगे। आज सब कुछ बुरा लग रहा है उन्हें, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं किसी को बोलना पड़ेगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, ये सब इस वक्त तक बोलते हैं जब तक इनको हुकूमत नहीं मिलती है, जैसे ही हुकूमत मिल जाती है सब कुछ मामला ठीक हो जाते हैं, इनके अपने मामला ठीक हो जाते हैं, मुल्क का मसला वही का वही पड़ा रहता है। और सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस बात को गौर से सुने और दूसरों में शेयर करें ताकि इस मुल्क का कोई भला हो। अस्सलाम वालेकुम।